हम लौंडों का क्यों मूड बन जाता है हमें खुद पता नहीं होता। एवे चलते चलते अच्छा मकान, सुंदर पहाड़, जेसीबी की खुदाई देख के हमें भी खोदने का मूड हो रहा होता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है यार, क्योंकि एक रोमांटिक फीलिंग के लिए एक अच्छी पार्टनर, एक अच्छा माहौल होना जरूरी है। ये नहीं कि कंधे पे लाश लेके शमशान जा रहे हैं, उस सैड मोमेंट में आपका मूड बन गया। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे दिमाग की मेमोरी में सिर्फ पॉन भरा हुआ है। मतलब मेरी खुद की यार एक बार खतरनाक वाली लड़ाई हो रही थी, मैं लड़ रहा हूँ, अचानक से लड़ते लड़ते मेरा मूड बन गया। वहां पुलिस आ गई, उसने सबको छोड़ के मुझे पकड़ लिया कि ये देखो इसने पैंट में धारदार हथियार छुपा रखे हैं। क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं कि इस वक्त भी किसी का मूड बन सकता है, जरूर खंजर ही होगा। तो पुलिस वाला मेरी तलाशी लेने लगा और हथियार पकड़ के फील करता है और एकदम से चिल्लाए कि अरे ये तो पिस्टल लेके आया है, आज जरूर किसी की जान ले लेता। मैंने कि पिस्टल, अरे तो मेरा वाला है, और एक बात बताओ इससे जान भी ले सकते हैं, और लेके आए का क्या मतलब, इसको घर पे भी रख सकता था क्या, सब लेके ही चलते हैं, ये थोड़ी कि आज मेरी लड़ाई होने वाली है, गुस्से में कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसको घर पे ही रख देता हूं, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। तब तक ना मुझे पीछे से पुलिस वाले ने दूसरे ने पकड़ लिया और डर से मेरा सारा जोश ठंडा हुआ और पिस्टल गायब। वो पहले पुलिस वाले के पैरों तले जमीन खिसक गए, उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। लोगों से पूछ रहे कि भाई साहब आपने भी देखा था ना, पिस्टल था ना, भी गायब कैसे हो गया। फिर पीछे से दोस्त चिल्लाने लगे कि हमने तो देखा है पूरा इंसान गायब कर देता है, ये पिस्टल कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद जो पुलिस वाले की फटी है, उल्टा अपनी जान की भीख मांग के गया मुझसे। लेकिन यार ये सेक्स ना हम यंगस्टर के ऊपर इतना हावी हो चुका है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और इससे सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि देश का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ वहाँ के यंगस्टर का होता है, वो अच्छे आइडियाज लाते हैं, उस पर वर्क करते हैं। लेकिन हमारे देश के युवा काम से ज़्यादा कामासूत्र पे ध्यान है इनका, वो सेक्स को दिमाग में और काम को पे रख के घूम रहे हैं, और इसका फायदा जापान जैसी कंट्रीज उठा रही है। एक तो अपना सारा जापानी तेल इंडिया में भेज दिया है कि तुम लोग सिर्फ स्टेमिना बढ़ाओ, सेक्स करो, बाकी देश के सारे बड़े काम हमें करने दो। हम सिर्फ एक ही काम अच्छे से कर सकते हैं अगर विक्की डोनर की तरह स्पर्म सप्लाई का होता तो, मतलब हमारा देश वर्ल्ड का सबसे बड़ा सप्लायर होता, क्योंकि यहां जवान से लेके बूढ़े सिर्फ हिला ही रहे हैं। और इसलिए ना मुझे जानवरों की लाइफ बहुत सही लगती है। हम खामखा लंगूर से इंसान बन गए, लंगूर ही अच्छे थे यार, कम से कम आज हम भी सड़कों पे नंगे घूम रहे होते हैं, खंभों पे टांग उठा के मूत रहे होते हैं, ना कल की चिंता, ना फ्यूचर की फिक्र, ना ये जात पात का सीन, ना ही काले गोरे का भेदभाव था यार, मतलब फुल टेंशन फ्री जिंदगी जीते हैं यार वो। और हाँ, इनकी सेक्स लाइफ देख लो यार, वो तो और भी कमाल है। हमारा यहाँ लव एट फर्स्ट साइट नहीं हो रहा, इनका फक इट फर्स्ट साइट चल रहा है। नर ने मादा को देखा और डायरेक्ट संभोग। हमें जलन होती है यार, क्योंकि इतना आसान सेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक्स के लिए यार एक स्ट्रगल है जो हम इंसानी नर करते हैं। पहले महीनों प्रेमिका के चक्कर लगाओ, उनके हाँ में हाँ मिलाओ, उनके बैड जोक्स पे लाफ्टर दो, बेवजह के कॉम्प्लीमेंट्स के बाद जाके वो कहीं इंप्रेस होती है। उसके बाद डेट पे महीनों रेस्टोरेंट, मूवी, शॉपिंग करने के बाद जाके हम लौंडे कभी सेक्स की बात भी कर ले तो जवाब आता है, पागल हो क्या, शादी से पहले ये सब। अब लौंडा इतना आगे बढ़ चुका है कि पीछे भी नहीं हट सकता। तो दोनों परिवार को मिलाना, धर्म, जाति, गोत्र, कुंडली की अग्नि परीक्षा पार करने के बाद लाखों का खर्चा करके शादी करते हैं, तब जाके वो खुशनुमा पल आता है जहां हम लौंडों को पता चलता है कि हमसे ज्यादा मूड हमारी बंदी का था, अपना तो बस कटा है।